इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, एक कांटे की टक्कर वाला मैच जहां पॉइंट्स टेबल में न्यूजीलैंड नंबर 1 पर है तो इंडिया है नंबर 2 पे। ये हो गई आईसीसी वर्ल्ड कप की बात। अब आ जाते हैं डब्ल्यूसीसी वर्ल्ड कप के ऊपर, जहां पे इंडिया तो नंबर 2 पर है बट न्यूजीलैंड बॉटम 2 पे है। भाई ये क्या चल रहा है यार। तो गाइस एक बार फिर से हम लोग का फैन मोमेंट हो रहा है। भाई क्या करे यार, हम क्रिकेटर्स के फैन ही इतने होते हैं, मतलब इन क्रिकेटर्स के। तो गाइस लास्ट टाइम हम लोग ने सेल्फी दी थी, आज इन लोग को हाई फाइव देते हैं। चल बेटा ले ताली तेरी ऊंची गाली। Here we go, match 5 in Chennai. Guys, India versus New Zealand, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक मैच है। हम लोग टॉस में लेते हैं, देखते हैं टॉस कौन जीता। भाई लास्ट टाइम वाली गलती मैं नहीं करने वाला, इस बार मैं जरूर बॉलिंग लूंगा। भाई लास्ट टाइम बैटिंग लेके वाट लग गई। और यहाँ पे पहली गेंद, वाह क्या शुरुआत हुई है। तो गाइस लास्ट वर्ल्ड कप का जो सेमीफाइनल था 2019 वाला, उसके अंदर इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का ही मैच हुआ था, जिसके अंदर इंडिया को न्यूजीलैंड ने हरा दिया था और हमारे वर्ल्ड कप जीतने के सपने टूट चुके थे। बट इस बार हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे, हम लेंगे इनकी विकेट। बस यार कोई फील्डर क्यों नहीं है यहाँ पे। भाई एक ओवर में 22 रन दे दिया यार मैंने, कितना बड़ा गधा हूँ मैं। भाई मेरे को बॉलर चेंज करना पड़ेगा। भाई पता नहीं ये वाली बॉल कहाँ पे जाएगी। भाई वहाँ पे फील्डर है, फील्डर। अबे ये फील्डर का क्या मतलब है यार, इसको भागने नहीं आता, स्प्रिंट करने नहीं आता इसको। और ये अगली गेंद, भाई एक काम करता हूँ मैं, एक बार क्लोज फील्ड लगा के देखता हूँ। ये लोग की बॉल ही नहीं जाने दूंगा बाहर। छक्के का तो कुछ नहीं बोल सकते बट चौका तो बिल्कुल नहीं जा पाएगा। और ये लगा छक्का। तो गाइस जसप्रीत बुमराह आ चुके हैं यहाँ पे। बूम बूम, कम ऑन बूम बूम। भाई मेरे को लगा था छक्का चले जाएगा बट चौका भी चले जा रहा है। A few moments later. भाई इसने तो स्टेडियम के बाहर ही फेंक दिया। अब बॉल लेने क्या तेरे पप्पा जाएंगे। कोई बात नहीं, बूम बूम कुछ तो कर। भाई ये क्या है, ये मेरे समझ नहीं आ रहा। भाई नेवर गिव अप। भाई जॉन सीना बैठा है क्या क्राउड में। तो गाइस अब बॉलिंग के लिए आ रहे हैं हार्दिक पांड्या, कम ऑन कुंगफू पांड्या। भाई ये क्या लिखा हुआ है क्या कहीं पे कि जो भी बॉलर आएगा वो छक्का देगा। भाई मैं क्या करूँ यार, मैं ऐसी कौन सी बॉलिंग डालू यार, ये लोग का छक्का चौका रुक जाए। भाई 65 रन मार, 65 रन मार दिए भाई 20 बॉल्स में। मेरे को इन लोग का रिकॉर्ड तोड़ना है, मैं 20 बॉल में 65 रन बनाऊंगा। मेरी बॉलिंग तो आने दो। दे चौका, दे छक्का। लानत है भाई पांड्या तेरे ऊपर, लानत है। अगर विकेट नहीं लिया ना इस बार तू। ओके ओ भाई फॉल, पकड़ 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 लिया भाई। फाइनली जाके अब पहला विकेट आया है पूरे मैच का, ये जीत गए। अबे अभी जीते नहीं, ऐसी विकेट गया। गाइस ये ओवर की आखिरी बॉल, भाई मार ले यार छक्का मार के कंप्लीट कर लेना। चौका तो मार ही दिया। सर सर, अरे सर काय के लिए इतना एफर्ट डाल रहे हो, रोक दो, मत डालो यार, आपकी बॉडी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या किया इन लोग ने यार, 98 रन, 2 रन एक्स्ट्रा दे देते फिर तो सीधा 100 ही बनाना पड़ता हमको। फिर से रोहित शर्मा भाई, पिछले कुछ मैचों से आपका रिकॉर्ड बहुत ज्यादा खराब है, हम आज चाहते कि आप अच्छा खेले, हम आपसे काफी उम्मीदें लगा कर आए। गाइस यहाँ पे पहली बॉल जाके जाती है चौका, वो भी रोहित शर्मा के बल्ले से। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। एक और चौका, नाइस। क्या 6 बॉल में 6 चौके मार पाएंगे हम। चौके क्यों मारेंगे भाई जब छक्के की गुंजाइश है। तो भाई आज लग रहा है रोहित शर्मा का बल्ला तगड़ा चलने वाला है। चलने वाला नहीं, चल चुका है। ये चौथा चौका है, तीसरा चौका है बट चौथी बाउंड्री। भाई 2 बाउंड्री और बची है, इसमें भी अगर चौका और छक्का चले गया फिर तो भाई बवाल चीज है भाई। अबे छक्का, ये क्या हो रहा है माँ। चौका छक्का चौका छक्का। ओके एक और छक्का भाई, 3 छक्के 3 चौके। मारो हमको, मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो सालो। टोटल मिलाकर होते 30 रन। मैंने सोचा था हर ओवर में 20 रन बनाऊंगा बट यहाँ तो पहले ही ओवर में 30 रन बन गए। अब तो मेरे को लग रहा है 4 ही ओवर में मैच खत्म हो जाएगा। नहीं यार इतना भी ज्यादा नहीं। केएल राहुल ने पहली बॉल पे छक्का लगा दिया। लग रहा है रोहित को देख के राहुल भी चल रहा है। भाई एक रन और, एक रन भाई तो जल्दी मार दिया। एक रन और हो भी गए पूरे भाई, 50 रन पूरे हो चुके हैं। हमारा 100 रन का टारगेट है और 2.5 ओवर में 50 हुए भाई, मतलब लास्ट बॉल तक चलेगा मुकाबला।
और ये चौथी ओवर का पहला ही बॉल छक्के से शुरुआत हो रहा है भाई। सारे ओवर की शुरुआत छक्के से ही हो रही है ना। और यहाँ पे हमारे रोहित शर्मा ने सिर्फ 12 बॉल में 51 रन कंप्लीट कर दिए भाई। और अभी तो बल्ला और चलेगा, अभी रुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं। गाइस छक्का चौका छक्का चौका वाला ये ओवर है। ओ ये सीधा उड़ा दी। ओ हमारे हिटमैन का विकेट जा रहा है फाइनली। भाई हमारा विकेट भी चौथे ओवर में ही गया था ना पहला, मतलब दोनों टीम का मैच सेम ही चल रहा है। तो गाइस अब फाइनली किंग कोहली की एंट्री हो रही है स्टेडियम के अंदर, जो कि फिनिशर का काम करने आए हैं, क्योंकि अब सिर्फ मैच को फिनिश करने की जरूरत है भाई। बट रोहित शर्मा ने 65 रन बना कर गए हैं। तो भाई मैंने क्या बोला था जब न्यूजीलैंड के फर्स्ट विकेट पार्टनरशिप ने 65 रन बनाए थे, और यहाँ पे तो हमारे एक अकेले बंदे ने 71 रन बना दिए। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया भाई। बहुत लंबी हो जाएगी यार वीडियो, चौका मार के खत्म करते। ये तो वाइड बॉल भी निकली, सॉरी नो बॉल। इंडिया 1/9 विकेट्स। तो गाइस एक कांटे की टक्कर वाले मैच के अंदर इंडिया ने फाइनली जीत हासिल कर ली है। और यहाँ पे रोहित शर्मा को मिलता है मैन ऑफ द मैच फॉर 65 रन्स। व्हाट अ कमबैक सर। गाइस इसी खुशी में एक लाइक तो बनता है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।